नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर के सांसद बीजेपी के नेता अजय निषाद पर एक बार फिर से FIR हो गया है। पिछले दिनों तो उन्होंने तबलीगी जमात को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी किया था, जिसको लेकर उन पर परिवाद दायर किया गया था। एक बार फिर से वो एक और मामले फंस गए और इस बार उनके साथ साथ मुजफ्फरपुर के विधायक और साथ ही साथ बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा भी फंस गए हैं। दरअसल प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेश अचल के पुण्यतिथि के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना इन लोगों के लिए भारी पड़ गया है। इसको लेकर परिवाद दायर किया गया है और इसको लेकर 4 जून को अगली सुनवाई भी होगी। 5 मई को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर इस्लामपुर रोड तिलक मैदान रोड में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ पर साहित्यकार सुरेश अचल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया था, जिसमें करीब 50 लोग शामिल थे। हालांकि ये भी कहा गया था कि इस दौरान मंत्री जी ने साहित्यकार की मूर्ति पे मास्क पहनाया और उनका मजाक उड़ाया था। हालांकि परिवाद में ये जिक्र किया गया है, तो देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। दोनों नेताओं पर और साथ ही साथ कई दर्जनों जो अज्ञात लोग हैं उन सब पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने को लेकर, यानी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। इसको लेकर सुनवाई 4 जून को होनी है, तो देखने वाली बात है कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले अजय निषाद, जो कि मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने तबलीगी जमात को लेकर एक टिप्पणी किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे लोगों को आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। इसको लेकर उन पर मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर 29 मई को सुनवाई भी होनी है। अब एक और मामला सामने आ गया है, तो देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले को लेकर क्या कुछ नई बातें सामने आती है। आप बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।